नमस्कार, मैं हूं प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज। आज हम सिंगरौली जिले के कांटा मोड़ में आए हैं। यहां जैसा कि देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टरों द्वारा, ट्रक मोटर मालिकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए हम आप इनसे जानवाते हैं किन समस्याओं को लेकर ये लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या समस्या है जिसको लेकर आप जो है लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारी यहाँ की सबसे मूलभूत समस्या है यहाँ की सड़कें, जो कि NCL द्वारा नहीं बनवाई जाती हैं। जब से देश की आज़ादी के बाद आज तक सड़कों का चौड़ीकरण नहीं हुआ। आज भी सड़कें 20-22 फुट की हैं, और जब सड़कें ये बनी थी तब 4 चक्का और 6 चक्का से ट्रांसपोर्टिंग होती थी। आज 22 चक्का ट्रेलर चल रही है, और फिर भी NCL के द्वारा यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी मूवमेंट नहीं किया जा रहा है। यहाँ के लोकल जितने भी जनता हैं वह कहीं ना कहीं प्रदूषण से प्रभावित हैं, लेकिन NCL उसको दरकिनार करके और सिर्फ अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दिन रात लगा हुआ है, जो कहीं ना कहीं गलत है। माइनिंग प्लान में यह होता है कि जिस क्षेत्र में कोल माइंस बसी हुई है उस कम से कम 15 से 20 किलोमीटर का क्षेत्र एक तरह से NCL या कोई भी माइनिंग कंपनी है उसको डेवलप करना होता है, लेकिन NCL अपनी जो भी व्यवस्थाएं हैं उससे यहाँ के पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहा है, और अपने कोयले के विक्रय में NCL हर डेवलपमेंट का पैसा जोड़ के लेता है। 50 रुपये प्रति टन NCL यहाँ के पर्यावरण और स्प्रिंकलर से पानी छिड़काने का पैसा लेता है। 83 रुपये टन DMF का पैसा लेता है, लेकिन वह पैसा कहाँ जाता है यह आज तक यहाँ की जनता को नहीं समझ में आया। और उसका परिणाम यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट 2016 से NCL को इन बातों को लेकर बार बार समझाइश दे रहा है, लेकिन लास्ट में NCL नहीं माना। तब 21 तारीख को ऑर्डर करके हमारे कार्य को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया, जिसका पूरा जिम्मेदार NCL है। देखिए, सर्वप्रथम क्या है कि हम लोग ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए हैं और हमारा व्यवसाय ही कोयला का परिवहन करना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हमारे ट्रांसपोर्ट और कोल ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया गया था। हम मूलतः उस धरने की वजह से बैठे हैं, और बंद करने का कारण जो भी है वो मात्र NCL है, क्योंकि NCL ने अगर डेवलपमेंट किया होता और सही रूपरेखा से सड़कों का निर्माण किया होता और अन्य जो जरूरी चीज़ें हैं, पानी का छिड़काव और अन्य कई चीज़ें, अगर वो किया होता ये समस्या नहीं आती। NCL द्वारा सबसे पहले इस क्षेत्र में रोड ट्रांसपोर्ट, जो कोल ट्रांसपोर्ट का रोड है, अलग से बनानी चाहिए। जितने इनके वारफाल हैं वहाँ पर कोयला पहुँचाने के लिए ट्रेलरों द्वारा अलग से रूट बनानी चाहिए, जिस पर आम जनता के लिए प्रतिबंधित किया जाए, और इस एरिया में रूट के किनारे किनारे हरे भरे बड़े वृक्ष लगाए जाएँ, पानी का छिड़काव पर्याप्त मात्रा में किया जाए जिससे पोल्यूशन भी यहाँ न हो, और दुर्घटनाएँ जो हो रही थी उससे क्षेत्र को बचाया जा सके। और यह काम NCL ही कर सकती है, उसी की जिम्मेदारी है, क्योंकि अपनी कीमत में इन सारे कार्यों के लिए NCL क्रेताओं से पैसा लेती है। इसलिए हम लोग सभी इसीलिए बैठे हुए हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, जैसा कि बताया गया, व्हाट्सएप और मोबाइल के माध्यम से आ गया है, लेकिन उसकी कॉपी हम लोगों तक अभी NCL पहुंचाया नहीं है। इसलिए जब तक उस आदेश की कॉपी यहाँ पर नहीं आ जाता है और NCL हम लोगों को आश्वस्त कर दे कि वह रोड का निर्माण 6 महीने में करेगा, 1 साल में करेगा, पानी का छिड़काव डेली वो करेगा कि नहीं करेगा, गाड़ियां बगैर तिरपाल बांधे कांटे से बाहर नहीं करेगा, इन सब मांगों को लेकर के हम बैठे हैं। NCL के अधिकारी यहाँ हैं और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की एक प्रति हमें उपलब्ध कराएं और हमारी मांगों को लेकर के आश्वस्त करें, उसके बाद ही यह धरना प्रदर्शन समाप्त होगा।
सिंगरौली के कांटा मोड़ पर ट्रांसपोर्टरों तथा ट्रक मालिकों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। इनसे बात करने में पता चला है गंभीर आरोप एनसीएल पर लगातार लगा रहे हैं। इनका कहना है रोड की समस्या है, रोड में सफाई की समस्या है, जिसकी वजह से प्रदूषण दुनिया भर का फैलता है, पानी का छिड़काव नहीं किया जाता है। इन ट्रांसपोर्टरों से जो कोयला डिस्पैच किया जाए उससे इनको एनसीएल द्वारा पैसा लिया जा रहा है, लेकिन उसकी व्यवस्था में नहीं लगाया जा रहा है। गंभीर आरोप एनसीएल पर इनके द्वारा लगाया जा रहा है। मैं कैमरामैन प्रिय स्टैंडिया के साथ मैं प्रदीप तिवारी, स्टूडियो 24 न्यूज़, सिंगरौली।